एमएजी पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ है घर फोड़ी का, हाउस ब्रेकिंग। उसमें आरोपी दूसरे माले से उसने जंप मार के वो भाग गया है, और हमने वो घर फोड़ी का गुना दाखिल किया है। घर फोड़ी का गुना दाखिल करने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन के जो डिटेक्शन ऑफिसर है, एपीआई पवार, पीएसए बॉम्बे, हवलदार शिंदे, हवलदार खोत, सवड़ी और मोरे, इन्होंने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ एक आरोपी के दो दांत मिले। और सीसी कैमरा चेक करने के बाद हमने ऐसा ऐसा पता चला कि वो आरोपी दूसरे माले के बाद जंप मारने के बाद वो वहाँ से ऐसे जमीन पे ही ऐसे रैगिंग करके वो आगे आगे जा रहा है, और आगे से उसने एक वॉल से जंप मार के भाग गया है, और वो आरोपी इंजर्ड है इतना तो हमें पता था। इसलिए हमारे पूरे स्टाफ ने दहिसर, बोरोली, विरार से लेके चर्चगेट तक जितने भी हॉस्पिटल है, एक 400-500 हॉस्पिटल में चेक किया कि ऐसे आरोपी कहाँ दाखिल हुआ है क्या, या उसके एडमिट है क्या। फिर हमें पता चला कि सांताक्रूज ईस्ट में रामकिशन हॉस्पिटल है, वहाँ ये आरोपी एडमिट है। और फिर एडमिट है तो उसके ऊपर हमने वॉच रखा, तो लास्ट 3-4 महीने से हम उसके वॉच पे ही थे। अभी लास्ट वीक में वो आरोपी डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद अगर उसकी हेल्थ अच्छी है और तंदुरुस्त होने के बाद हमने उनको दहिसर ईस्ट से उसको अरेस्ट कर लिया है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? उससे पहले इसको कितने गुना दर्ज है? आरोपी का नाम है रोहित राठौड़, उसका एज है 29 ईयर्स। आरोपी सराय गुन्हेगार है, उसके ऊपर टोटल 19 गुन्हे हैं। उसमें वाकोला के 6 है, वसई के 1 है, गाँवदेवी का 1 है, अंधेरी रेलवे पुलिस स्टेशन के है, खार के 2 है, काचौकी के 3 है, निर्मल नगर के 3 है, ऐसे मिला के 19 गुन्हे हैं। और वाकोला पुलिस स्टेशन ने उनको 1 साल तड़ी पार किया, एक्सटर्मिनेट किया है 1 साल, तो भी वो यहाँ के चोरी कर रहा है। उसको ये स्पाइडरमैन नाम से भी उसको बोला जाता है। सर, आरोपी से नॉर्मल क्या क्या हस्तगत किया है? हमने एमएचबी के 2 हाउस ब्रेकिंग डिटेक्ट किया है, उसमें से जिस गुने में उसको हमने अरेस्ट किया है उसमें से एयर रिंग और कैश हमने पूरी के पूरी जब्त की है। सर, इसका जो ग्रिल तोड़ता था, ये किस तरीके से तोड़ता था और इसका दिमाग इसको जाना था? ये आरोपी है, ये तो इसके इसका स्टाइल ये ऐसा है कि वो पाइप पाइप से जाता है, चाहे वो 2 माले का, 3 माले, 4 माले का है, और पाइप से ही नीचे आता है। और वो जनरली वो एक 2 दिन पहले वहाँ रेकी करता है, फिर कहाँ से उसका किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, वो हिसाब से वो किचन से एंट्री करके फिर जाता है।